हाय फ्रेंड, आज हम बनाएंगे स्प्राउटेड रावा उत्तपम। एक कटोरी सूजी लिया, आधा कटोरी दही और टॉपिंग के लिए आधा कटोरी स्प्राउटेड मूंग, एक प्याज, दो हरी मिर्ची, एक टोमेटो और थोड़ा सा करी पत्ता। ये करी पत्ता डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब एक बॉल लिया, उसमें सूजी और दही को मिक्स करेंगे। आधा कप पानी, आधा कप मतलब आधा कटोरी पानी थोड़ा थोड़ा करके ये मिक्सर में डालेंगे और मिक्स करेंगे। देखिए आधा कटोरी से थोड़ा सा कम पानी लगा। अब हम ये मिक्सर को 15 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। 15 मिनट का बाद सूजी फूल के रेडी हो गया, लेकिन हमारा ये बैटर थोड़ा से गाढ़ा है तो इसे हम और थोड़ा से पानी डाल के मिक्स करेंगे। और इसमें डालेंगे एक पाउच की आधा पाउच इनो, और मैंने पहले नमक नहीं डाला और डालेंगे एक टीस्पून नमक। ये दोनों डाल के और एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने और एक बाउल लिया, उसमें ये सारे चीज़ें ऐड करेंगे। और डालेंगे स्प्राउटेड मूंग। और थोड़ा सा नमक डाल के इसे मिक्स करेंगे अच्छे से। ये टॉपिंग के लिए रेडी हो गया। एक फ्राइंग पैन गरम कर लिया, इसमें ब्रश से तेल लगा के बैटर डालना है। और बैटर डालने के बाद इसके ऊपर टॉपिंग डाल देंगे। लेकिन मैं चम्मच से टॉपिंग डाली हुई, इससे तो गिर रहा है, तो आप इसे हाथ से डालिएगा। टॉपिंग डाल के इसे हम ढक के पकाएंगे 2 मिनट। 2 मिनट हो गया, देखिए हमारा एक साइड पक गया, तो उसे हमने पलट दिया। पलटने के बाद इस पर चारों तरफ थोड़ा से तेल डालेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा से तेल, और थोड़ा से चम्मच से इसके टैप कर देंगे। अब और 2 मिनट पकाएंगे इसे। देखिए 2 मिनट पकाने के बाद इसे एक प्लेट पे निकालेंगे। सेकेंड राउंड भी इसी तरह हम बनाएंगे। सेम प्रोसेस में बनाना है। और इस तरह हम सारे एक एक करके सारे उत्तपम प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए हमारा स्प्राउटेड रावा उत्तपम बन के तैयार है। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, आप ज़रूर इसे घर पे ट्राई कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे मेरा अगले वीडियो पे। तब तक के लिए बहुत खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, बाय।